आज हमने डोनर क्राइटेरिया पढ़ना है, ठीक है, कि हम जो डोनर जो होता है उसको किस क्राइटेरिया पे हम उसको रजिस्टर करते हैं, या हम उससे ब्लड जो है वो हम उससे लेते हैं, उसका क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमने पूरा करना होता है हमेशा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जो डोनर होता है वो कोई जो है हमारा जो एक सोसाइटी है उसमें कोई ना आम पर्सन नहीं है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। और कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कुछ हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो क्या होता है उनका कि वो अलाउ नहीं करते फजूल में डोनेशंस को, ठीक है, कि एक जो इंसान है उसका कोई भी आपका कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरी बॉडी में नहीं लगाया जा सकता, और कुछ जो है वो इसके हक में है। तो इसी वजह से इसमें ये भी होता है कुछ मसले मसाइल हैं। और कुछ अगर हम देखा जाए कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी विदाउट रीजन आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते, बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है उसी में ही आप उसको ट्रांसफ्यूजन जो है आप पेशेंट को करते हैं किसी भी ब्लड की। तो इसलिए हर चीज़ को हमने देख के करना होता है उसमें, ठीक है। और जो हमारे पास पेशेंट और डोनर आता है वो हमेशा जल्दी में होता है, ठीक है, वो कहता है जी मेरा ब्लड लो और चुप करके लगा दो, ठीक है। उसके उसको ये नहीं पता होता कि जी हमने इसका टेस्ट भी करना है, वो टेस्ट इसके जो हम हेपेटाइटिस बी सी सब कुछ एड्स वगैरह हमें चेक करना होता है, तो उनको नहीं पता होता कि जी ये कितनी देर में होते हैं कितनी देर में नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आप ब्लड बैंकिंग जो है ना वो इजी है लेकिन बहुत सेंसिटिव भी है, ठीक है। पेशेंट कई दफ़े इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि आपका जो क्या नाम है उसका डॉक्टर है वो आपको कहता है कि जो भी कोई ब्लड है उठा के दे दो, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि अल्लाह ना करे कि उस पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो कहेंगे कि जी ये तो लैब वालों ने हमें ब्लड दिया, ठीक है। और वो जब हमारे ऊपर बात आए तो हम कहेंगे जी हमने तो डॉक्टर ने मांगा था और ये वो, तो वो कहेंगे डॉक्टर ने मांगा था तो आपने कैसे दिया। तो हमेशा जब भी कोई डॉक्टर आपसे इमरजेंसी केस में मांगे आप उससे रिटर्न लिखवा लें कि जी ये हम आपकी रिक्वेस्ट पे हम आपको ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, या वो कोई आपको डोनर भेज दे कि जी आप इसका ब्लड लेके हमें भेज दें, या जो भी कहना। तो इन सारी चीज़ों में आपने जो है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलना होगा। तो कुछ क्राइटेरिया होता है हमारे पास, जो ब्लड डोनर हमारे पास आता है उसको हमने वो देखना होता है, ठीक है, वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसमें हमने उसकी एज देखनी होती है, हमने उसकी फिटनेस लेवल देखना होता है, ठीक है, उसकी हमने फिजिकल अपेयरेंस देखनी होती है, उसकी हिस्ट्री पूछनी होती है कि वो कैसी होती है, मतलब उसमें कोई उसको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं थी। तो जब डोनर हमारे पास, अब हम उसको पढ़ लेते हैं, रीडिंग आपको भी समझ आ जाएगी इसकी, कि ब्लड डोनर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनर पर्टिकुलरली इन ओवर कम्युनिटी वेयर बेसलेस प्रिजुडिसेस एंड फियर्स अगेंस्ट ब्लड डोनेशन स्टिल परसिस्ट, ठीक है, कि ब्लड डोनेशंस को देते नहीं है, और मतलब मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बताया कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इट डिजर्व्स ओवर स्पेशल अटेंशन एंड केयर, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट द एनवायरमेंट ऑफ द डोनेशन सेंटर मस्ट बी क्लीन कंफर्टेबल एंड क्वाइट, कि अगर आप में से किसी ने ब्लड दिया है तो उसमें क्या होता है कि जब आप ब्लड देते हैं तो आपको जो है ना बड़ी एक मोटिवेशन चाहिए होती है, एक तो आप डर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसके आपको वीकनेस भी हो सकती है, अगर आप जो है आप पहले आपकी एनर्जी इनफ नहीं है, तो हमेशा जो है वो आप उसको एक अच्छे तरीके से रिसीव करें ताकि वो उसको ये ना फील हो कि यार कोई गड़बड़ ना हो, आपने उसको हमेशा मोटिवेट करना है, उसे बात हमेशा अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ही डिजर्व्स ओवर स्पेशल एंड अटेंशन। हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है सेंटर का ब्लड बैंक का जहाँ पे हम उसको ब्लड उसे लेते हैं वो हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और अब तो कुछ ऐसी लैब्स हो गई हैं वहाँ पे इतना, एक तो कंफर्टेबल उनके बेड्स आ गए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्क्रीन भी लगाई हुई हैं, सामने खबरें चल रही हैं, वो पेशेंट को जो डोनर है उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि जी मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ या नहीं, वरना उसको जो है ना वो होता रहता है। पर्सनल ऑन ड्यूटी शुड एग्जिबिट एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड गुड मैनरिज्म, ठीक है, वो एक मैनर मैनर के साथ उससे बिहेव करे,
ठीक है, एवरी डोनर इज वीआईपी शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, अननेसेसरी अनप्रोफेशनल ऑर्गन्स ऑर्गुमेंट्स शुड बी अवॉइडेड विद द डोनर। ठीक है, आपने उसे कोई ये नहीं कि वो मस्तियाँ शुरू कर देने की, अभी हाँ भाई ब्लड देना है क्या करना है ये वो सब, आपने उसके प्रोफेशनल तरीके से आपने उसे बिहेव करना है। जी हाँ सर, आप बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे, अगर किसी ने ब्लड लेना तो वो आएगा आपसे, आपसे ब्लड ले लेगा, आप यहाँ पे बैठे रेस्ट करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप उसको बात करें, उसे इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ बाय द नेम। ठीक है, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि भाई मैं यहाँ पे कौन हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने आपका ब्लड लेना है। ठीक है, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हाँ, हमेशा उसको आपने प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि मैं आपका ब्लड कैसे लूंगा। ठीक है, तो आप उसको बताएंगे कि सबसे पहले जो मैंने आपसे जो है अल्कोहल पैड से मैं आप उस जगहों को साफ करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है 15 से 20 मिनट में आप हम आपका ब्लड जो है वो लेंगे, और उसमें आपने घबराना नहीं है, जो भी आप उसको अपने तरीके से, हर किसी का अपना स्टाइल होता है कि आप उसको कैसे जो है उसको ट्रीट करते हैं। गिव हिम चांस टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम डोनर्स मस्ट बी हैंडल्ड वेरी वेरी केयरफुली, एंड उसको जो फर्स्ट टाइम डोनर आता है वो हमेशा हमसे पूछता है यार कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि भाई कोई मसला नहीं है, आप बड़े आराम से रहें, आपको फील भी नहीं होगा कि आपको ब्लड लिया जा रहा है। ठीक है, आप उसको बातों में लगा ही रखें कि वो आपसे बातें करते रहे, आपसे पूछें जी हाँ आपने पहले कभी लिया होगा, अगर नहीं किया अच्छा आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका मतलब एक प्रॉपर मैनर के थ्रू आप उससे गपशप लगाएं ताकि उसको इतना फील ना हो। इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? ठीक है, कि हम किस क्राइटेरिया की बेस पे हम करते हैं, जनरल अपीयरेंस हम उसका देखते हैं। ठीक है, शुड बी अपीयर टू बी शुड अपीयर टू बी इन गुड हेल्थ। ठीक है, पुअर फिजिक, अंडर न्यूट्रिशन, कुछ जॉइंटस, कोई उसका मेंटल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, मतलब आपने उसकी जज करना है उसके अपेयरेंस को। ठीक है, कि वो मेंटल स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, उसका स्किन कलर क्या है, आंखों में कई दफ़ा वो सिगरेट पी पी के और उनको यकान हुआ होते हैं और भी बड़ी बीमारियां हुई होती हैं, तो बड़ा अजीब सा होता है, कई दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने उनका देखना होता है। ठीक है, उसका वेट कितना है, हमेशा वहाँ पे वेट पड़ी होती है, लेस देन 50 जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता किसी को, कि कोई भी डोनर आपके पास आया है तो लेस देन 50 kg जो है आपने उसका ब्लड जो है वो उसको आपने नहीं लेना। हाँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आ जाए तो आपने फिर उसकी स्टिल फिजिक देखनी है कि हाँ भाई वो बंदा फिट है, कोई मसला तो नहीं होगा उसको, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो आपका 50% से नीचे नहीं है। ठीक है, एज आपकी उसकी 18 to 16 होनी चाहिए। ठीक है, एडल्ट होना चाहिए और हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसका लेस देन 12 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट बुक्स में लिखा होता है कि आप 13, अब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ 13, लेकिन नॉर्मली जो है वो लेस देन 12 रिकमेंड नहीं किया जाता। फीमेल्स तो आमतौर पे डोनर्स में उनका 1% या 5% चांसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लें आती हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैंने ऐसे भी देखी हैं कि फीमेल्स खुद ब्लड देने आती हैं। अच्छा, जब देने आती हैं तो उनकी एज भी चेक करते हैं तो वो 9 होती है 10 होती है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होता और वो ब्लड देने आ जाती है, उसका फायदा नहीं है। आपने अगले बंदे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, तो जब आपकी खुद ऑक्सीजन लेवल ही इतना है, ठीक है, और डोनर का 12 है 11 है 10 है, ठीक है, तो उसने उसकी रिक्वायरमेंट क्या पूरा करना है, वो तो यही है, उससे बेहतर हम क्या नाम है कोई भी लिक्विड लगा दें। ट्रांसफ्यूजन का ये मकसद तो नहीं होता कि सिर्फ आपने लिक्विड लगाना है, उसमें आपने उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। तो आपने इस तरह आपका हमेशा जो है हीमोग्लोबिन लेवल आपके डोनर का हमेशा शुड बी मोर देन 13, 14, 15, आइडियल आपका 15 होता है। ठीक है, चीज़ों में देखना है, मेडिकल हिस्ट्री आपने उसे लेनी है कि हाँ भाई आपको कोई पुराना मसला तो नहीं है, आपको कोई डायबिटीज या कोई आपको यकान हुआ हो, कोई हेपेटाइटिस हुआ हो, कोई टीबी वगैरह हो, ठीक है, कोई आपको डिसऑर्डर हो, तो वो काफ़ी चीज़ें उनको निकल आती हैं उनकी, तो समटाइम्स वो बताते भी नहीं है, लेकिन आपने खुद जज करना होता है कि हाँ भाई वो बंदा कैसा है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, ठीक, आप जो हमारे पास सामने आया तो वो उस टाइम कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर आपने उसे डोनर रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है
कि आपका नाम क्या है, उसमें आपका मतलब उसका ना उसने हमने सारी उसमें हिस्ट्री लेनी होती है, और वो जो फॉर्म होता है डोनर फॉर्म, उसमें आपका नाम लिखा होता है, सॉरी डोनर का, उसके पेरेंट का नाम, उसकी एज, ठीक है, उसने कितनी दफ़ा ब्लड डोनेट किया, और कितनी देर पहले उसने डोनेट किया, कहाँ किया, और अभी जो है उसको कोई मसला तो नहीं हो रहा, मसला उसको घबराहट तो नहीं हो रही, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर एट अ टाइम कितना है, ऑन द स्पॉट कितना है, ठीक है, फिर हम उसे हिस्ट्री पूछते हैं कि हाँ भाई आपने, आपको कभी कोई डिजीज तो नहीं हुई, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है हमेशा कि कोई एड्स वगैरह, कोई सिफिलिस हो गया, कोई हेपेटाइटिस हो गया, कोई टीबी, कोई डायबिटीज, ये आपकी जो नॉर्मल आपके जो इलाके में पाई जाती हैं, ठीक है, आपने इन चीज़ों को पूछना है उससे, और फिर उसके ऊपर आपने उसके सिग्नेचर करवा लेने, ठीक है, कि ताकि हमने उससे हिस्ट्री ली थी तो उसने हमें ये बताया था, तो वो हमारा रिकॉर्ड में आ जाता है, कि अल्लाह ना करे कोई आगे पेशेंट को मसला हो और बाद में पता चला कि जी डोनर को तो ये मसला था, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होगी चीज़ कि हमने डोनर से ऑन द स्पॉट ये चीज़ें पूछी थी, उसने हमें ये जवाब दिया था, तो ये चीज़ें हमने उसमें देखनी होती हैं। आवाज आ रही है? ठीक जी सर। है, तो ये चीजें जो है हम उसमें देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि हमने जो ब्लड है वो कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, कि हमारा जो पेशेंट आ गया, हमने उसका क्राइटेरिया जो है देख लिया कि भाई वो फिट है, फिजिकली फिट है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल, सॉरी हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा है, उसको क्या नाम है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेवल मतलब अपेरेंटली ठीक है, तो वो सारा कुछ हमने उससे पूछ लिया, तो अब हमने क्या करना है, हमने उससे ब्लड लेना है, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या लिखेगा कि जी आपका मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड चेकिंग द हीमोग्लोबिन, द डोनर इज गाइडेड टू द ब्लड डोनेशन रूम, ठीक है, एक हिस्ट्री रूम होता है, और साथ ये आपका जो पंजाब हेल्थ केयर है उसका भी क्राइटेरिया है, एक आपका हिस्ट्री रूम होता है, एक आपका ब्लड डोनेशन रूम होता है, सबसे पहले आप हिस्ट्री रूम में आप पेशेंट से डोनर से हिस्ट्री लेते हैं, अगर वहां पे वो फिट हो गया फिर आप आगे कह देते हैं कि जी आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ से आप अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर, ठीक है, या अगर वो नहीं हुआ तो आप वहीं से उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आप, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते, आप जो है वो मतलब वहीं से वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको क्या करते हैं कि आप वो फिट हो गया, उसको हमने गाइड करते हैं कि जी आप डोनेशन रूम में आ जाएं, द नेम एंड अदर पर्टिकुलर डोनर्स आर काउंटर चेक्ड एंड द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, ठीक है, समटाइम्स जो होता है कि हिस्ट्री कोई ले रहा होता है, ब्लड जो कलेक्ट कर रहा होता है वो कोई होता है, तो जब वो उसके पास जाता है तो वो जो कलेक्शन वाला बंदा है वो हमेशा पहले देख लेता है कि इसके, वो हमेशा जो रिपोर्ट होती है उसके पास, ये रिपोर्ट जो डोनर है वो उससे पहले मतलब सैंपल देता है, उसके ऊपर वो सारा प्रोसीजर किया जाता है, मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है, उसके जो स्क्रीनिंग की जाती है, फिर हम उसको लेते हैं, फिर वो जो डोनर है वो अपने साथ रिपोर्ट लेके आता है आपका ब्लड रूम में, डोनेशन रूम में, कि जी ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, तो मैंने इस पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है, ठीक है, तो वो आप उसको काउंटर चेक करते हैं, वहां पे उसका नाम ये सब कुछ, आप जो आपके ऊपर ब्लड बैग होता है उसके ऊपर भी आप उसका नाम लिख लेते हो, उसका ब्लड ग्रुप लिख लेते हो, और वो सारा कुछ जो है उसका काउंटर चेक करके अपने आप को तसल्ली दे के फिर आप उसका ब्लड लेते हो, या ब्लड शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सुटेबल वेन इन द एंटीक्यूबिटल फोसा इन द एरिया डेट इज फ्री ऑफ एनी स्किन लीजन, ठीक है, आप आम से लेते हैं उसका ब्लड वहां पे, क्योंकि आपकी जो वेन है वो भी प्रोमिनेंट होती है, वहां से इजिली कलेक्ट कर लेते हैं, क्लीन इट थोरली विद आयोडीन और मिथाइलेट स्पिरिट, ठीक है, आपके पास वहां पे आजकल अल्कोहल पैड्स होते हैं, आप उन्हीं से जो है आप उसको क्लीन कर लेते हो, ठीक है, सैगमोमैनोमीटर जो है, कफ इज रैप्ड अराउंड द आर्म, ये बहुत कम होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे टोर्निकेट भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने इसी को ही करना है, तो आप वो कर लो या टोर्निकेट बांध लो, कोई भी कर चल जाता है, ठीक है, इंस्पेक्ट द बैग कंटेनिंग एंटी कोएगुलेंट सीपीडी है, शेल्फ लाइफ 35 डेज, इट शुड बी क्लियर एंड कलरलेस, ठीक है, आपके पास जो ब्लड बैग होता है वो उसके अंदर ना थोड़ा सा लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या होता है, वो आपका एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट कौन सा होता है, सीपीडीए, सीपीडीए क्या है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ठीक है, ये आपका एंटी कोएगुलेंट होता है जो आपके ब्लड को क्लोट नहीं होने देता,
उसका जो शेल्फ लाइफ है वो 35 डेज है, मतलब कि आपके जो ब्लड है उसको 35 डेज तक वो उसको मेंटेन रखता है, वो जो एंटीकोगुलेंट है सीपीडी है। क्या है सीपीडी? सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एरेनिन, ठीक है। सीपीडी भी होते हैं कहीं पे CPDA1 है, इस तरह जो मोस्ट कॉमनली आपकी सीपीडी है। इट शुड बी क्लियर एंड कलरलेस, आप उसको देख लेते हो, आप उसको थोड़ा सा मूव भी कर लेते हो ताकि एंटीकोएलेंट जो आपके पूरे बैग में मिक्स हो जाए। लेबल द बैग एंड टू प्लेन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स कैप्ड बोतल शुड बी यूज लेटर पायलट ट्यूब्स, ठीक है। ये इतना मसला नहीं है आपको, आपने क्या करना है कि बैग को लेबल कर लेना है। लेबल में क्या करना है, आपने उस पेशेंट डोनर का नाम लिखना है, ठीक है, किस पेशेंट के लिए वो आपने लिखना है, उसका ब्लड ग्रुप लिखना है और नीचे लिखा होता है कि इसकी जो स्क्रीनिंग ठीक थी या नहीं, तो वहाँ पे आप लिख देते हो कि नॉन रिएक्टिव, ठीक है, अब वो आपका जो है वो रिएक्टिव नहीं है इसके अंदर कोई भी डिजीज़, तो वो आप उसको ऊपर फिल कर लेते हो। हाँ, डेट भी लिख देते हो, साथ एक्सपायरी डेट भी लिख देते हो। सपोज करो कि आज यकम अप्रैल है, तो आपने आफ्टर 35 डेज आप एवरेज कर के आप उसको 5 मई तक जो है उसको डेट लिख देते हो कि जी 5 मई तक इसकी जो है ना लाइफ है, शेल्फ लाइफ, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ रेज द प्रेशर इन द सेगमेंटोमीटर कफ ऑफ 250 to 80 मीटर। अच्छे इंस्टीट्यूट में इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर टोर्निकेट भी यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्म फिलबॉटमी, द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन टू द बैग, और फिर आपका ब्लड जो है वो आपके बैग के अंदर जाने लग जाएगा। द अटेंडेंट शुड ऑब्जर्व एंड श्योर दैट द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ स्टडी स्पीड एंड ही जेंटली मिक्स द ब्लड इन द बैग एंड ऑटोमेटिक मिक्सिंग वेइंग इक्विपमेंट शुड बी यूज, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वहाँ पे आपका ब्लड आप ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने कंटिन्यूसली आपने अपने जो डोनर को है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपने ब्लड को देखना है कि ब्लड ठीक तरीके से आपके बैग में आ रहा है। बैग को हाँ हमेशा मिक्स करना है, अगर आपके पास मिक्सिंग मशीन नहीं है, कुछ छोटे इंस्टीट्यूट में मिक्सिंग मशीन नहीं होती, तो आपने उसको मिक्स करते रहना है ताकि जो ब्लड है वो एंटीकोएगुलेंट के साथ थोड़ी मिक्स होता रहे, वो वहाँ पे क्लॉट ना बने, ठीक है। द अटेंडेंट शुड ऑल्सो लुक फॉर द कंडीशन ऑफ द डोनर, इफ ही मैनिफेस्ट साइंस ऑफ फेंटिंग, स्वेटिंग और पल्पिटेशन प्रोसेस शुड बी स्टॉप्ड एट वंस। आपने उससे पूछता रहना है कि हर 1, 2, 3, 4 मिनट बाद कि आप ठीक हैं, आपको मसला तो नहीं हो रहा, आपको दिल तो नहीं घबरा रहा, तो पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ या नहीं। समटाइम्स जो होता है कि यार मेरा दिल घबरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप वहीं पर आप उसकी जो कलेक्शन है वो आप उसको स्टॉप कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि when the required quantity of blood has been collected, which takes less than 10 minutes, the pressure in sphygmomanometer cuff is released. Two clamps are applied as close to the needles as possible. The tubing is then cut between the clamps with small scissor. Take the blood sample of blood in pilot tubes by releasing the cuff near the needle and gauge. अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने क्या करना है कि आप नॉर्मली जो आपका ब्लड होता है, ब्लड बैग होता है, उसमें आपने 450 ml जो है ना वो आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब आपका वो कलेक्ट हो जाता है, आप उसको क्या करते हो कि आपने क्रम्प लगा देना ताकि एयर जो है वो आगे ना आए और ब्लड बाहर ना जाए। तो आप जो है उस टाइम उसका अगर आपने टोर्निकेट लगाया हो तो आप उसको खोल दें, ठीक है। आप उसके बाद सिरिंज जो है वो आपके पास आ जाती है, आपने उसमें से उसी टाइम एयर को पास कर देना है। एयर को कैसे पास करना है कि आपने ब्लड बैग को पकड़ के उसके जो आगे ट्यूबिंग है उसको, साथ ही आपके पास सिंक होगा, ठीक है, ब्लड बैंक में होते हैं, आपने वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड डिस्कार्ड करना ताकि वो जो ट्यूबिंग में कोई एयर है या कुछ भी है तो वो वहीं से बाहर निकल जाए, और वहीं पे साथ आप उसको वहाँ पे अगर आपके पास क्लंप मौजूद है आप उसके साथ उसको बंद कर सकते हैं या वहाँ पे उसको गिरा भी लगा देते हैं अच्छे तरीके से ताकि जो एयर है वो अंदर ब्लड में ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्टीराइल ग्यूज इज प्लेस्ड ओवर द पंचर साइट, आप उसको ब्लड अल्कोहल पैड जो है उधर रख देते हैं, ठीक है, और पेशेंट को आपने 10 मिनट तक, डोनर को आपने 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलने नहीं देना, वो वहाँ पे रहेगा ताकि उसका जो ब्लड जो लेवल है वो सारी बॉडी में एक दफ़ा फिर बैलेंस हो जाए। एक दम उठेगा तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसमें हाँ एक और बात है कि समटाइम्स ये होता है कि आपका जो ब्लड डोनर है वो
घबराहट की वजह से जो है ना वो बेहोश होने लग जाता है या उसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब सीरियस कंडीशन हो जाती है तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी टांगों से उठा के, ठीक है, जो टांगों वाली साइड है आपने उसको उठा के तो आपने उसको ऊपर करना है और उसका जो सर जो है वो नीचे हो, ठीक है, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके दिमाग तक पहुंच सके। तो आपने इस तरह को टांग से उठा के, दोनों हाथ रख के टांगों से घुटने वाली जगह से, तो आपने उठा के उसकी टांगों को ऊपर करना है ताकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में एक दफा सर्कुलेट हो जाए इजीली। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, ये आमतौर पर कई दफा जरूरत पड़ती है इस चीज की, ठीक है। अब हमने ब्लड जो कलेक्ट कर लिया, अब हमें उसको स्टोर कैसे करना है, ये लास्ट है स्टोरेज तक हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये आगे, हाँ केयर भी पढ़ लेते हैं अभी, उसमें कुछ खास नहीं है। स्टोरेज हमेशा आपने ये रखना है कि आपका जो ब्लड होल ब्लड है ना उसको आपने हमेशा स्टोर किस में करना है, 2 to 8 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये हमेशा आपने बात रखनी है, बात याद रखनी है कि आपका जो ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर है होल ब्लड का वो आपका कौन सा है, कौन सा है, तो बोलेगा। टू हाँ, 2 to 8 सेंटीग्रेड, 2 to 6 या 2 to 8, 2 to 8 जो है ना रिकमेंडेड। तो आपका जो होल ब्लड है वो आपके साथ रेफ्रिजरेटर पड़ा होगा, वहीं पे आपने उसको 2 to 8 सेंटीग्रेड पे आपने उसको स्टोर कर देना है, ठीक है। वेल लाइटेड इक्विप्ड विद अलार्म टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस उसके ऊपर लगी होती है हमेशा। आजकल जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर पहले से ही टेम्परेचर लगा होता है, उसका जो डिवाइस लगी होती है अंदर बिल्ट इन होती है, तो वहां पे आपको पता चल रहा होता है कि हाँ भाई इसका टेम्परेचर कितना है, तो वो नॉर्मली 3, 4, 5 के दरमियान में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसकी जो लाइफ होती है आपके ब्लड की, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप उसके ऊपर उसको लिखते हैं, लेबल करते हैं बैग को, तो आप उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी और कलेक्शन डेट लिखते हैं कि आपने कलेक्ट कब किया था और उसको एक्सपायर कब होना है, तो आप उसको सारा लिख देते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर हम उसको अपने जो रेफ्रिजरेटर है उसमें रख देते हैं। आफ्टर केयर ऑफ डोनर, ठीक है, आफ्टर केयर हम क्या करते हैं कि मेक श्योर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, ठीक है, हमने ये श्योर कर लेना है 10 मिनट जब हम उसको रखेंगे यार मिनिमम, तो हमने देख लेना है कि उसका जो ब्लीडिंग है वहां से वो स्टॉप हो गई है। लेफ्ट द डोनर मे लेइंग ऑन ईच का ऑन द काउच फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स सो दैट हिज सर्कुलेशन इज रीएडजस्टेड, ठीक है, उसकी बॉडी सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। द डोनर इज प्रोवाइडेड विद लाइट रिफ्रेशमेंट पर्टिकुलर टी कॉफी और एंड रिक्वेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग फॉर एन। हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ये कहना है कि आप जो है ना जाके जूस पी लें, क्योंकि टी या कॉफी तो ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होती, तो आपने या उसके साथ कोई अटेंडेंट है तो आपने ये कहना है कि आप इनको जूस ला दें, या ताकि उसका जो नॉर्मल बॉडी, क्योंकि जाहिर सी बात आपने उसकी बॉडी से 450 ml निकाल लिया है फ्लूड, तो बेहतर है कि आप उसको जूस या कॉफी लाएं ताकि उसका जो फ्लूड का लेवल है वो दोबारा मेंटेन हो जाए, ठीक है। बिफोर द डोनर लीव्स ब्लड डोनेशन सेंटर इज इंश्योर्ड ही इज परफेक्टली ऑल राइट एंड देयर इज नो ब्लीडिंग फ्रॉम फुल बॉडी, ठीक है, हमने उसको देख लेना है कि उसको कोई मसला तो नहीं हो रहा, फिट जा रहा है।